रावक महाशतक का छुपता सत्य पीड़ादायक था। श्रेष्ठी महाशतक का विवाह रूपवती श्रेष्ठी कन्या रेवती के साथ हुआ। रेवती दहेज में अपने साथ 8 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और गायों के 8 गोकुल लाई थी। महाशतक पहले भी गनी था, ससुराल के दहेज से उसकी और भी धन वृद्धि हो गई। महाशतक राजग्रह का निवासी था, वह वहाँ के राजा श्रेणिक का भी प्रिय था। घर में जब धन की प्रचुरता बढ़ती है तो भोग इच्छाएं भी बलवती हो जाती है। महाशतक की एक पत्नी से संतुष्ट नहीं हुई तो उसने 12 विवाह और किए। प्रत्येक पत्नी के पिता ने उसे 1-1 गोकुल और 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और दी। महाशतक की अब 13 पत्नियां थी। 13 के साथ वह संसार सुख भोग रहा था। उसके पास दहेज से प्राप्त धन के अतिरिक्त अपने निजी धन के रूप में 24 करोड़ की संपत्ति थी। 10-10 हजार गायों के 8 गोकुल अतिरिक्त थे। एक बार भगवान महावीर राजगृह आए और राजा ध्यान गुणशीलक में ठहरे। राजगृह के नर नारी उनका देशना सुनने पहुंचे। राजा श्रेणिक की अपनी रानियों के साथ महावीर की वाणी सुनने पहुंचा। अनेक लोगों ने श्रावक व्रत ग्रहण किए। इन व्रत धारकों में महाशतक अग्रणी था। घर जाकर महाशतक ने प्रत्येक व्रत को पुनः पुनः समझा। उसने अपनी संपत्ति की एक सीमा बांधी और उससे अधिक को बांटने का निश्चय किया। स्वदा संतोष व्रत के अंतर्गत उसने यथासंभव ब्रह्मचार्य के पालन का निश्चय किया और 13 पत्नियों के साथ भी भोग की मर्यादा बांध ली। इस प्रकार वह निष्ठापूर्वक 12 व्रतों का पालन करने लगा। वह अपना अधिकांश समय धर्म चिंतन और धर्म क्रिया करने में बिताता था। महाशतक की पहली रेवती सुंदर होने के साथ साथ कामुक भी थी। वह मध्य मास का सेवन करने के कारण भोग परायण हो गई थी। एक रात उसने विचार किया कि मेरे अलावा मेरे पति के 12 पत्नियां और भी हैं। 13 होने के कारण मुझे पति का भोग चुप समित ही मिल पाता है। यदि मैं 12 को मार दूं तो 1 पंथ 3 काज हो जाएंगे। पति को अबाध बहुत भोग सुख मिलेगा, उनके पीहर की संपत्ति भी मेरी हो जाएगी और सौतों का दुखद साहचर्य भी नष्ट हो जाएगा। रेवती ने अपना निश्चय पक्का कर लिया। उसने षड्यंत्र पूर्वक शस्त्र और विष के घातक प्रयोग से अपनी 12 सौतों को मौत के घाट उतार दी। रेवती को कंपा देने वाली इस कारगुजारी का महाशतक को कुछ भी पता नहीं चला। रेवती अब पति के साथ स्वच्छंद काम सुख भोगने लगी। मध्य मास के सेवन से रेवती की भोग लिप्सा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती थी। उधर अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण महाशतक को भोगों से वृत्ति होती जा रही थी। इसी बीच राजा श्रेणिक ने अपने राज्य में अमारी अखेटा निषेध की घोषणा कर दी। वह भी महावीर का श्रावक था। इसे प्रतिबंध के कारण प्राणियों के वध पर पूर्णतः पाबंदी लग गई। रेवती को मांस मिलना असंभव हो गया, पर मांस के बिना उसका जीवन भी दुर्भर हो गया। इसके लिए उसने एक सेवक को विश्वास में लिया और उसने कहा, किसी को पता न चले इस युक्ति से तुम मेरे पीहर के गोकुलों से 2 बछड़े मारकर नित्य ले आया करो, बिना मांस के मैं नहीं रह सकती। रेवती अपनी योजना में सफल हो गई। उसे नियमित मांस मिलने लगा। मंदिरा तो उससे सुलभ भी ही थी, अब मांस भी सुलभ होने लगा। इन दोनों के सेवन से वह पुनः कामुक हो गई। एक दिन ऐसा आया कि रेवती की सब करतूतें महाशतक को उजागर हो गई। वह अब रेवती से पूर्णतः विरक्त हो गया। उसने उसे समझाया भी, पर उसने अपना पापाचार नहीं छोड़ा। महाशतक की धर्म साधना का 15वां वर्ष शुरू हुआ तो उसने घर का भार अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंपा और स्वयं पौषध ग्रह में जाकर तपोमय जीवन जीने लगा। दुराचारिणी पत्नी से छुटकारा पाकर उसने सुख का अनुभव किया। लेकिन रेवती एक दिन पौषणशाला में ही पहुंच गई। वह शराब के नशे में आकंठ डूबा थी। उसने बड़ी बेशर्मी से पति से भोग की याचना की, पर महाशतक ने उसकी एक नहीं सुनी। इस हर तरह का प्रयत्न करके जब रेवती थक गई तो घायल सर्पिणी और सी क्रूद होकर घर वापस चली गई। रेवती के वापस चले जाने पर महाशतक ने सोचा कि काम बड़ा मीठा शत्रु है, रेवती के कारण मेरा मन कभी डिग भी सकता है, अतः मुझे उग्र तुप करके अपने तन को इतना क्रुश कर देना चाहिए कि रेवती के इंद्र की अप्सरा का भी कोई प्रभाव न पड़े। यह सोच महाशतक ने उग्र तप प्रारंभ कर दिया। सूक्ष्मातिसूक्ष्म भोजन ही वह लेता था। उसका शरीर ज्यों ज्यों दुर्बल होता गया त्योत्यों उसका आत्मबल बढ़ता गया। ध्यान योग का भी उसने अपना अभ्यास बढ़ा लिया। इस तरह कठोर धर्म साधना से एक दिन महाशतक को अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अवधि ज्ञान के कारण वह भूत भविष्य की बातें जानने लग गए। पति द्वारा उपेक्षित रेवती कुछ दिन तक तो घर रही, पर एक बार पुनः वह कामोन्मत्त होकर महाशतक के पास पौषध ग्रह में गई और उसने काम याचना करने लगी। उसके इस आचरण से महाशतक को क्रोध आ गया। अपने अवधि ज्ञान के बल पर उसने भविष्यवाणी की, रेवती तू भोगों में अंधी होकर अपना जीवन कितना बिगाड़ चुकी है, सो सावधान होकर सुन ले।
अब तेरा जीवन मात्र 7 दिन का ही शेष है। तू विषुचिका रोग से ग्रस्त होकर 7वें दिन मर जाएगी और मरकर रत्नप्रभा नरक में जाएगी। वहां तू 84,000 वर्ष तक कष्टों को सहती रहेगी। पति की भविष्यवाणी सुनकर रेवती का सब नक्शा हिरण हो गया। उसने ये तो न समझा कि पति ने अपने ज्ञान बल से मेरा भविष्य बताया, बल्कि उसने यही जाना कि पति ने मुझे श्राप दिया। तपस्वी का श्राप कभी झूठा नहीं होता, यह सोच रेवती आकुल व्याकुल होकर घर लौट गई और शोक में चारपाई पकड़ ली। रेवती को देखने जो भी आता वह दुखी होकर सबसे कहता, न जाने कितने दिन और जीती, पर मेरे पति ने मुझे श्राप देकर जल्दी ही मार डाला। मैं अब 7वें दिन अवश्य मर जाऊंगी। रेवती श्राप वर्ष नहीं बल्कि भावी वर्ष ही विषुचिका रोग से मर गई। मरकर वह रत्नप्रभा नरक में गई। कुछ ही दिन महावीर ग्रह आए। उन्होंने गंधर्व गौतम से कहा, गौतम, पीड़ादायक कटु सत्य का कथन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीड़ा देना ही तो हिंसा है और हिंसा अधर्म है। श्रावक महाशतक ने सत्य तो कहा, पर पीड़ादायक सत्य ही रेवती से कहा, इसलिए महाशतक को पत्नी रेवती भयभीत शोकमूल होकर मरी। उसके मृत्यु पूर्व संताप का कारण महाशतक का कटु सत्य कथन था। अतः तुम महाशतक के पास जाओ और उसे समझा कर कहो कि वह अपने कटु सत्य कथन की आलोचना करे। गंधर्व गौतम महाशतक के पास गए और महावीर का युक्त संदेश लेकर उसने कहा, ऐसे सत्योद्घाटन से क्या लाभ जिससे जानकर सुनने वाला अर्थ ध्यान करे। तुमने ऐसा ही किया है, अतः आलोचना करो। अपने अकल्पित कृतकार्य की महाशतक ने आलोचना की और आत्मा को शुद्ध किया। कालांतर में उसने अनशन करके समाधि पूर्वक प्राण त्याग दिए। मरने में बाद वह सौधर्म देवलोक के अरुणावतंसक विमान में देव बना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।